हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिक्स कमांड्स रिलेटिंग विद फाइल एंड डायरेक्टरीज फ्रॉम यूनिट नंबर 3 ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ऑफ सीएसई 6M। So this is our online terminal to run commands related with the files and directories. Basically Windows के अंदर हम लोग जितनी भी files बनाते हैं, so हमारे पास GUI based है। हम लोग by using mouse, by using keyboard files easily create कर लेते हैं और अपने directory वगैरह भी हम लोग easily वहाँ पे create कर लेते हैं, इतना कोई issue नहीं है। लेकिन हम जब Unix के अंदर हम लोग अपनी file और directory create करते हैं तो commands के through कैसे करते हैं, आज वो discuss करेंगे। सो बेसिकली डायरेक्टरी, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो आप लोग क्या करते हैं कि एक तो यहाँ पे आपका डायरेक्टरी कुछ इस तरीके से होती है, सी देन आपको ये आएगा, देन यहाँ पे आपके जो बैक स्लैशेस रहेंगे, देन आपका सिस्टम का नेम, सपोज यहाँ पे हमारे पास है डेल, देन यहाँ पे सपोज करो कि आपका सी के अंदर डेल वगैरह, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से बात हो जाएगा। या हम बात करें कि कुछ ये जो एक कंप्लीट आपका है, ये हमारा क्या है, एक तरीके का पूरा प्रोसेस है हमारे पास। ये मेरे क्या रिप्रेजेंट करती है, ड्राइव, देन ये मेरे पास क्या है, मेरा फोल्डर का नेम है जो कि हम डायरेक्टरी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर मेरा एक और है SAITM, देन हमने इवन सेमेस्टर का बनाया, उसके बाद BTech CSE 6M, और इसके बाद जो नंबर ऑफ फाइल्स मैंने वहाँ पे इंसर्ट की हुई हैं वो। तो ये एक बेसिक सिनेरियो दिखाता है कि हमारे पास जो फाइल्स हैं या जो डायरेक्टरी, हम लोग कैसे डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, कैसे डायरेक्टरी के अंदर हम लोग फाइल बनाते हैं। बेसिकली डायरेक्टरी हमारे पास एक फोल्डर ही है जिसके अंदर हम लोग अपने नंबर ऑफ फाइल्स को स्टोर कराते हैं। अब ये वर्क कैसे करेंगे, हम अपने ऑनलाइन टर्मिनल पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था फाइल को क्रिएट करने का, और शायद डायरेक्टरी भी क्रिएट की थी, तो आज जो हम अभी क्रिएट करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्टरी क्रिएट करने से। सो हमने क्या किया, मेक dir टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टरी का नाम जो डाल दिया वो डाल दिया SPSA, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हम अगर डायरेक्टरी को हमें चेक करना है कि डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, तो एक हमारे पास क्या था जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ls कमांड। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारे पास ऑनलाइन टर्मिनल है, तो इसकी कुछ एक फाइल्स उसकी खुद की हैं और एक हमारी डायरेक्टरी जो कि हम किससे शो कर रहे हैं, ये दो फाइल्स है हमारे पास, ये डायरेक्टरी और ये वाली डायरेक्टरी है। एक और कमांड अगर हमें डायरेक्टरी को चेक करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये ए सिंटैक्स है, मींस ls ऑफ ए, जितनी भी फाइलें हमारे पास एक ए वर्ड को करेक्ट कैरी ऑन कर रही होगी या डॉट कम्प्लीटली, जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा फाइल्स होंगी कंप्लीट जो भी होंगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ls ए का मतलब होता है कि आपके पास जितनी भी यहाँ पे फाइल्स होंगी डायरेक्टरी होंगी, वो सारे के सारे को वो शो करेगा। अब हम बात करते हैं कि हम डायरेक्टरी के अंदर मोड को सेट कैसे करें, क्योंकि हमने जो लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा बताया था कि हम लोग फाइल्स का मोड सेट करते हैं ch मोड कमांड के थ्रू, उसमें हमने लास्ट टाइम पे क्या किया था, बाय यूजिंग नंबर 756 और इस टाइप का एक टेबल था जो हमने लास्ट टाइम पे वर्किंग किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्टरी के अंदर भी वो क्रिएट हो सकता है या नहीं हो सकता हमारा। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, मेक डायरेक्टरी, हमने एक दूसरी डायरेक्टरी बना ली, मेक डायरेक्टरी, हम मोड सेट कर रहे हैं तो हमारे पास m, देन हम क्या कर रहे हैं ए डेट मीन्स फॉर ऑल यूजर, उसके बाद ये, और हमें क्या मोड कमांड देनी है इसको, आर डब्ल्यू एक्स, डेट मीन्स रीड राइट और एग्जीक्यूट, और किसको प्रोवाइड कराना है ये हम लोग जाते हैं SPSA, चलो यहाँ पे इसको बना देते हैं CSE 6, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, हमने डायरेक्टरी का क्या कर दिया, पाथ मोड सेट कर दिया यहाँ पे,
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टर क्रिएट हुई है या नहीं है। वो हमने अभी लास्ट में किया था उस कमांड से, और यहाँ पे हम जब इसके पास जाएंगे तो इससे भी हो जाएगा। जैसे CSC6 डोज हेलो डॉट सी देन दिस, तो ये आपका क्या हुआ बेसिकली, एक हमने एक और डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ फाइल्स की इसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट तो हम लोग कहेंगे हमारे पास जो पाथ है वो क्या है, रूट पाथ है। यहाँ पे अगर हमें अपने SPS से फोल्डर SPS से डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, CD। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब CD SPSA, डेट मीन्स कि अब हमारी फाइल जो क्रिएट होगी वो किसके अंदर होगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारी अब डायरेक्टरी क्या हो गई है, SPSA के अंदर हमारी फाइल क्रिएट होगी। तो हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं कैट। फाइल क्रिएट करने की जो कमांड है वो हमारी टच कमांड है। टच कमांड के हमने अंदर की तो हमने यहाँ पे सिंपल एक डाल दिया, file1.txt। ये हमारी हुई फर्स्ट फाइल क्रिएट। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या शो करता है इस डायरेक्टरी के अंदर पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जब हमने ls कमांड यहाँ पे रूट डायरेक्टरी पे रन किया तो उसने नंबर ऑफ फोल्डर्स और नंबर ऑफ फाइल्स शो की थी। बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जब हमने SPSA डायरेक्टरी के अंदर रन किया तो उसके अंदर हमारी सिर्फ एक ही फाइल है और उस फाइल को उसने यहाँ पे शो कर दिया है। अब यहाँ पे हम फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखते हैं, कैट file1.txt। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो एवरीवन। ये हमने किया, यहाँ से हम लोग आउट हो गए हैं। तो यहाँ पे कंटेंट को चेक करना है कि हमारे पास फाइल के अंदर क्या कंटेंट है। तो हमारे पास क्या सिंटेक्स है ये लाइनक्स के अंदर, दिस वन। तो हमने क्या टाइप किया यहाँ पे, हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने क्या क्या किया कि हमने एक डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी का फिर हमने यहाँ पे ls कमांड रन की, चेक किया कि डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है या नहीं हो चुकी, और नंबर ऑफ कितनी फाइल्स और डायरेक्टरीज हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेक डायरेक्टरी किया और हमने यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बनाई CSC6 का, जिसके अंदर हमने सेट मोड सेट कर दिया, डेट इज ये रीड भी होगी, राइट भी होगी और एग्जीक्यूट टेबल भी होगी। उसके बाद हमने क्या किया कि अपनी जो डायरेक्टरी थी ऑलरेडी उसको चेंज किया और उसको क्या कर दिया, SPSA, उसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज यहाँ पे करेंगे कि आप कि यहाँ पे जब हम चेक करते हैं कि रिमूव डायरेक्टरी के लिए हमने ऊपर क्या बनाई है, यहाँ पे SPSA डायरेक्टरी से हम लोग अभी बाहर आते हैं तो हमारी कमांड क्या होगी, चेंज डायरेक्टरी, डेट इज CD --। सो डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए मीन्स हमें अगर रूट डायरेक्टरी पर जाना है तो हमें कौन सी कमांड करनी पड़ेगी, CD \(this one)। तो हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, हम अपनी रूट डायरेक्टरी पे आ गए हैं। और जब हम लोग बात करते हैं CD --, की तो वो आ जाती है हमारे पास कहाँ पे, पेरेंट डायरेक्टरी पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई पेरेंट डायरेक्टरी भी है नहीं, अभी हम लोग किस डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हैं, रूट डायरेक्टरी पे। और अगर हम लोग होम डायरेक्टरी पे वर्क करते तो हमारा जो सिंटेक्स है वो क्या होता, ये वाला। अगर हम लोग होम डायरेक्टरी की बात करें कि अगर मुझे होम डायरेक्टरी पे जाना है तो हम लोग ये वाली कमांड रन करते, CD this। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि CD के साथ हमने backslash यूज किया और हम अपना जो मेरे पास जो पेरेंट रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे हम लोग प्रोसीड कर गए हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टरी को रिमूव करना, तो हमारे पास डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड है, रिमूव dir, कौन सी डायरेक्टरी को हम रिमूव करें, SPSA। ठीक है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। यहाँ पे हमारे पास ये क्या बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी किस लिए आ रहा है, क्योंकि SPSA के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की थी यहाँ पे कहीं, file1.txt। अब हमें पहले file1.txt को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपनी डायरेक्टरी को क्रिएट डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट कि मैं डायरेक्टरी अपने SPSA डायरेक्टरी के अंदर दोबारा जाऊँ, वहाँ पे डिलीट कमांड यूज करूँ और file1 को डिलीट कर दूँ। दूसरा क्या है कि मैं यहाँ पे फोर्सफुली हम यूज करें रिमूव -r, देन यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टरी का नाम डेट इज SPSA। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या SPSA वहाँ पे है, तो आप लोग चेक करोगे कि SPSA जो हमारे पास डायरेक्टरी थी वो यहाँ पे नहीं है। सो इस वाली स्टेटमेंट का जो हमारे पास यूज है, जो हम बात कर रहे हैं इस वाले का, तो इसने क्या किया है कि SPSA के अंदर जितनी भी फाइल्स वहाँ पे होगी तो उस फाइल को वो हम फोर्सफुली उसको डिलीट करेंगे बाई यूजिंग rm -r और SPSA। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हमने ऊपर बात की थी तो
यहाँ पे जो हमारे पास अभी तक ये हो गया कि नंबर ऑफ डायरेक्टरी हमने कैसे क्रिएट की, फाइल्स को डायरेक्टरी के अंदर कैसे सेट किया है, उसके बाद हमने फाइल को डायरेक्टरी को हमने डिलीट किया, डायरेक्टरी को डिलीट करने के बाद फाइल्स की हमने किस तरीके से हम लोग आउट डायरेक्टरी से बाहर आते हैं वो हमने तीन कमांड रन की, डबल डॉट सिंगल बैक स्लैश हमारे पास रूट डायरेक्टरी के लिए, टिल्ड साइन हमारे पास होम डायरेक्टरी में जाने के लिए, और डबल डॉट हमारे पास पेरेंट डायरेक्टरी में जाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ होता है हमारे पास कि हम लोग परमिशंस को सेट कैसे करते हैं, कोई भी फाइल के अंदर हम लोग परमिशन सेट करते हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग यहाँ पे ls फाइल, हमारे पास अभी कोई है नहीं तो पहले हम फाइल क्रिएट करते हैं, कैट फाइल हमने बना दी यहाँ पे कैट फाइल वन डॉट txt। ठीक है, अब ये फाइल बनी तो यहाँ पे हमने कंटेंट डाल दिया अपना डायरेक्ट बाय यूजिंग कैट कमांड वी क्रिएटेड द फाइल एज वेल एज वी आल्सो हैव टू एंटर द डाटा। तो हेलो एवरीवन, सो बेसिकली ये हमारा क्या हुआ, फाइल के अंदर कंटेंट आ गया। अब यहाँ पे हम इसका चेक करते हैं परमिशंस क्या क्या है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर रहे होंगे जब हमने ls -l कमांड को यूज किया है, तो यहाँ पे हमने क्या बता रहा है वो सभी डायरेक्टरी का और उसने फाइल का सभी का हमने उसने क्या बता दिया, हमें परमिशन बता दी कि किस किस के पास क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने ये जो ls -l कमांड है वो किस लिए रन किए हैं, ताकि हमें पता लगे कि क्या कुछ किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे csc6 है और dos है, ये दोनों भी हमारे पास डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप लोग क्या चेक कर रहे हो कि यहाँ पे d लिखा हुआ है, डेट मीन्स कि जो ये हमारे पास है या इस d को देख के हम बता सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे पास है वो क्या है, डायरेक्टरी है। वहीं पे स्टोर कहाँ पे है, रूट पाथ में है। उसके बाद ये तीनों फाइल है हमारे पास, जब तीनों फाइल है तो आप लोग देख रहे हो जो फर्स्ट जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो डैश है, दैट मींस कि ये हमारे पास क्या है, फाइल है। उसके बाद आप लोग चेक कर रहे हो rwx, दैट मींस जो ये फर्स्ट स्टार्टिंग की आपकी थ्री है, जो फर्स्ट के बाद जो थ्री है, रीड राइट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे जैसे सिंपल रीड राइट है, सिंपल रीड राइट है, और ये यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट है, तो जो फर्स्ट थ्री है वो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करता है होम के लिए। हमने बताया कि ये आपका डायरेक्टरी हो गया, ये उसका हो गया, फर्स्ट आपको रिप्रेजेंट करता है होम के लिए। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें मिलती हैं, फर्स्ट एक हमारे पास होम होगा, एक हमारे पास ग्रुप होगा, एक हमारे पास क्या होगा, यूजर होंगे। तो हम देखना चाहेंगे कि हमें किस किस को कौन कौन सी परमिशन प्रोवाइड की हुई है। तो आप लोग देख रहे हो जब डायरेक्टरी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डायरेक्टरी csc6 में होम को भी, यूजर को भी, सॉरी सेकंड वन हमारा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप को भी हमने तीनों परमिशन दी हुई है रीड राइट एग्जीक्यूट, और यूजर को भी हमने तीनों परमिशन दी हुई है रीड राइट और एग्जीक्यूट। जबकि जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक और डायरेक्टरी डोज की, उसने क्या क्या हुआ कि होम के पास तीनों परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट की, बट यहाँ पे फिर आप चेक करो तो राइट की परमिशन नहीं है हमारे पास, हमारे ग्रुप के पास, अगर हम लोग ये फाइल ग्रुप के अंदर, और ना ही हमारे यूजर के पास राइट की है। और वहीं पे आप जब फाइल की बात करते हैं, तो जो फाइल हमारे पास फाइल वन डॉट txt है, उसकी रीड और राइट तो है हमारे सभी के पास, होम के पास, ग्रुप के पास भी रीड के लिए है, और यूजर के पास भी जस्ट रीड के लिए, और बाकी जो हमारे पास डैश डैश है वो क्या बताते हैं कि हमारे पास वहाँ पे हमने कोई भी परमिशन अपने यूजर को या अपने ग्रुप को नहीं दी हुई है। तो बेसिकली ये है हमारे पास परमिशन। अब परमिशन अगर मान लो डायरेक्टरी की हो या फिर, अच्छा ये हुआ हमारे पास सभी फाइल के लिए ls कमांड। अगर अगर हमें एक पर्टिकुलर फाइल का चेक करना है तो वो हमारे पास हो जाएगा फाइल या डायरेक्टरी का, तो यहाँ पे फाइल और डायरेक्टरी जो भी नेम आप एंटर करोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइल वन डॉट txt। तो ये आपको क्या दिखाएगा, फाइल वन डॉट txt का दिखाएगा, जो कि यहाँ से ये चीज़ आई है आपके पास कंप्लीट, वही जो यहाँ पे सिंटेक्स है वही उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, डेट ऑफ क्रिएशन वगैरह एंड ऑल। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि हमें चेंज कैसे करना है मोड का। तो हमने जो बात की है ch mode means change the mode of a file। तो अब यहाँ पे कैसे चेंज होगा कि हमने जो अभी तक किया था, लास्ट टाइम पे हमने जो किया था वो किया था 7764 एक था हमारे पास हमने परमिशन, और तो हमने डाल दिया फाइल वन डॉट txt, सॉरी फाइल वन डॉट txt, ये हमारे हो गए चेंज। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चेंज हुआ है।
फाइल वन डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जब हमने इस कमांड को रन किया था तो रीड राइट मोड था, यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूट आ गया। यहाँ पे सिंपल रीड था तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप है उसको क्या मिल गया, रीड और राइट भी एक्सेस मिल गया। इसी तरीके से अगर आप पर्टिकुलर यूजर को वहाँ पे सेट मोड चेंज कराना चाहते हो तो सी एच हमने जैसे यूजर को दे दिया यू इज माइनस पार देन आपका फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखो क्या रखा हमारे पास, सी एच मोड यू आर यू फाइल वन डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे हमने उसने सिंटेक्स दिखाया जो कि हम बात कर रहे थे कि हमारे पास वो सिंबल्स के थ्रू भी होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारे पास टेबल के थ्रू था 7764, जो कि हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे है एस पी एस ए आप लोग ये देखोगे कि ये हमारे पास टेबल है जो टेबल के थ्रू हम करते हैं 7, 6 और 4। हमने क्या किया था, ये परमिशंस उसको प्रोवाइड की हुई है 7, 6, 4 वाली। तो फोर फोर बाद में हमारे पास तो यहाँ पे क्या आया आर माइनस माइनस, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक करोगे तो आर माइनस माइनस होगा लास्ट में, और ऐसे 6 पे जाओगे तो आर डब्ल्यू है, सिंपल आर डब्ल्यू। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अपने सिंबल्स की, तो यहाँ पे हमने तो चेक किया, उसके बाद अगर हम अपने सिंबल्स के थ्रू अगर कुछ कराना चाहते हैं फाइल के अंदर, तो यहाँ पे उसने दिखा रखा है कि हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं माइनस वगैरह या प्लस वगैरह, तो वो किसके लिए हो गया हमारे पास, जब हमें टेबल यूज नहीं करना, जैसे 7, 5, 6 जो हमने टेबल वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है वो टेबल अगर हमें यूज नहीं करना। तो उसके बाद हमारे पास आती है, तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया वो कर लिया है कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट हुई, फाइल डायरेक्टरी के अंदर फाइल कैसे क्रिएट हुई, उसके अंदर हम लोगों ने किस तरीके से हमने डायरेक्टरी के अंदर एंटर किया, फिर डायरेक्टरी के अंदर फाइल बनाई, डायरेक्टरी को फिर डिलीट किया, और उसके बाद हमने फाइल की परमिशंस को चेंज किया जो कि हमने यहाँ पे क्या हुआ 7, 6, 4 कमांड यूज करके। अब अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो अभी तक का ये आपका हो गया ना। इसके बाद हमारे पास एक कमांड आएगी आपकी कॉपी करने के लिए, कोई भी कंटेंट आपको कॉपी करना है किसी भी दूसरी फाइल में। तो सपोज करो कि हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं अभी, टच फाइल टू डॉट टी एक्स टी, ये हमारे पास दूसरी फाइल हो गई है। एल एस से हम लोग चेक कर लेंगे कि है या नहीं है, तो फाइल डॉट टू डॉट टी एक्स टी भी है। अब हमें करना क्या है कि हमने करना करना है कॉपी, जब डाटा को कॉपी करना है तो यहाँ पे सोर्स फाइल कौन सी होगी जहाँ से हमें डाटा चाहिए, तो फाइल वन डॉट टी एक्स टी, और किस फाइल के अंदर कॉपी करना है, फाइल टू डॉट टी एक्स टी। अब हम चेक करेंगे कि फाइल टू डॉट टी एक्स टी में डाटा है या नहीं है, तो हम लोग जब फाइल डाटा को चेक करेंगे तो वो कैसे पता लगेगा हमारे पास, कैट फाइल टू डॉट टी एक्स टी, हमने फाइल वन डॉट टी एक्स टी में के लिखा था हेलो एवरीवन हाउ आर यू, और वो यहाँ पे क्या हो गया कॉपी होके आ गया है। और इसी तरीके से अगर हम लोग अपना डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहते हैं तो डायरेक्टरी कैसे कॉपी करेंगे, जहाँ पे हमने सीपी लिखा है फाइल वन डॉट नेम, यहाँ पे हम अपने डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे। जैसे हमने क्या किया कि हम करते हैं सी एस सी सिक्स को, तो पहले सी एस सी सिक्स के अंदर जाते हैं, एक मिनट वहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारे पास डायरेक्टरी के अंदर भी कॉपी होती है नहीं होती है। हम चले गए, हमने यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट कर लिया और फाइल के अंदर डाटा डाल दिया फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे हमने डाटा डाल दिया एस ए आई टी एम, ठीक है, और हमने यहाँ पे एग्जिट कर गए हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि डाटा हमारे पास, हमें क्या करना है, डायरेक्टरी को कॉपी करना है दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, और वो देखते हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए पहले हम बाहर आ जाते हैं यहाँ पे, और बाहर आने के लिए हमने जो कमांड रन की थी वो की थी हमारे पास रूट डायरेक्टरी मारने के लिए दिस वन। अब यहाँ पे ये कमांड हमने रन की, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं मेक डी आई आर, और यहाँ पे डाल देते हैं सी एस सी ओनली, ये हमारे पास एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। एल एस से हमने चेक किया हुआ कि नहीं हुई, तो हमने जब यहाँ पे एल एस कमांड में चेक किया, एल एस कमांड में यहाँ पे सुनिए कर आपको एल एस तो यहाँ पे जब हमने एल एस कमांड को रन किया तो आप लोग देख रहे हो कि सी एस सी हमारे पास यहाँ पे ड्राइव बनी हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारे पास जो ड्राइव है क्या, जो हमारे पास हमने डायरेक्टरी बनाई है, क्या उस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास कंटेंट कॉपी होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या रन किया था सी पी, ठीक है, हमारे पास फाइल क्या थी, कहाँ से उठाना है, सी एस सी सिक्स से,
CC6 से उठाना है, और कहाँ पे कॉपी करना है, ये हम यहाँ पे डायरेक्टरी को यूज कर रहे हैं, तो बैक स्लैश टू कॉपी आ डायरेक्टरी। बेसिकली हमारे पास क्या स्टेटमेंट थी, जो हमने फाइल को कॉपी करने के लिए किया था वही कॉपी सोर्स डेस्टिनेशन। देन डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए हमारे पास क्या है, कॉपी DIR1 DIR2, और यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास सी कॉपी ऑप्शन सोर्स डेस्टिनेशन, फिर कॉपी ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 और सोर्स और डेस्टिनेशन। तो ये हमारे पास चार कमांड्स है जो हम एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली ये कमांड जो है हमने फाइल के अंदर अभी यूज कर चुके हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली DIR1 DIR2 अगर हम लोग डायरेक्ट लाइनेक्स पे वर्क कर रहे हैं तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन टर्मिनल पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो उस पे जो रूट पाथ दिया हुआ है वो बेसिकली ऑनलाइन का रूट पाथ है, तो उस चीज से वो फाइल को उठा नहीं रहा वहां से। तो आप लोग जब इस कमांड को रन करोगे तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि कॉपी AVR, हमने क्या दी हुई है, परमिशन दी हुई है, इस फोल्डर, ये हमारे पास क्या है सोर्स फोल्डर है ये वाला, और दिस वन ये हमारा सोर्स फोल्डर हो गया, ये हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर हो गया। डेट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टरी होम, उसके अंदर एक SCITM, एक और डायरेक्टरी, उसके अंदर ये लेटर कोई फाइल पड़ी हुई, इसको हमें कहाँ कॉपी करना है, USB बैकअप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको परमिशंस वाला एक दिया हुआ है कि AVR क्या है, तो VR वर्कफ्लोज आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, और हमारे पास कॉपी डायरेक्टरीज को जितनी भी कॉपीज होंगी वो उसको जब तक कम्प्लीटली वो वहाँ पे कॉपी नहीं हो जाएंगी तब तक वो उस प्रोसेस को रिकर्सिव मोड में रन करता रहे। और यहाँ पे जो हमारे पास ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे पास है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स रिलेटेड, जो कि हमारे पास डायरेक्टरी में जो भी फाइल मोड है, ओनरशिप पे हमने बात की, टाइम स्टैम्प्स हमने बात की कि किस टाइम पे फाइल जनरेट हो रही है, वो सारा का सारा हमारे पास प्रोसेस रन हो रहा है। तो बेसिकली हमने अभी तक एसपीएसए यूनिट 3 के 2 लेक्चर यहाँ पे कम्प्लीट किए हैं। फर्स्ट में हमने यहाँ पे परमिशन क्रिएट, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप के अंदर हम लोग कैसे परमिशंस प्रोवाइड कराते हैं, कौन कौन सी परमिशंस हमारे ग्रुप को या यूजर को मिलती है, कैसे हम लोग पासवर्ड क्रिएट करते हैं, वो हमने वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और सेकंड वीडियो में हमने फाइल से रिलेटेड मैक्सिमम कमांड जो भी हमारी है वो सारी की सारी हो चुकी है। फाइल को क्रिएट करना, फाइल के अंदर कंटेंट डालना, फाइल को डिलीट करना, जो कि हमारे पास सिंपल RM फाइल से हो जाएगी, डायरेक्टरी को क्रिएट करना, डायरेक्टरी को चेंज करना, ये सारा का सारा हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास फाइल से डायरेक्टरी और यूजर और आपका पासवर्ड से रिलेटेड आपका कंप्लीट फाइल यूनिक्स से रिलेटेड हो चुकी है। सो आप इसको थोड़ा एग्जीक्यूट करें, बेसिकली ये वाली जो कमांड, अगर किसी के पास लिनक्स टर्मिनल कोई स्टूडेंट यहाँ पे है तो वो इस कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक करें 1 मिनट कि हमारे पास फाइल्स मूव हो रही है, यहाँ कॉपी हो रही है या नहीं हो रही है। सो नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर जो भी हमारे पास उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो फर्दर कमांड्स है आपकी, सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, ट्रांसलेटिंग वगैरह एंड ऑल। थैंक यू।